नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है, राष्ट्रीय पदाधिकारी बर्खास्त किया है शरद पवार जी ने, लेकिन महाराष्ट्र का जो है पदाधिकारी क्यों नहीं बर्खास्त किया, इसी विषय चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे मित्र अनिल तत्ते जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि शरद पवार जी ने ऐसा क्यों किया कि महाराष्ट्र छोड़ के देश का जो है पदाधिकारी बर्खास्त किया, उन्होंने क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। पहला कारण तो यह है कि महाराष्ट्र के बाहर जी राष्ट्रवादी पार्टी की कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौन है जी ये बताओ, महाराष्ट्र के बाहर उनके गिने चुने कहीं पे एक्सीडेंटल जो इंडिपेंडेंटली भी आ सकते हैं थे, इनके नाम लेके चुने ऐसे लोग हैं, ऐसे पदाधिकारी है कि जिनको कोई पार्टी लेने को या तो तैयार नहीं या उनको भी समझ में नहीं आ रहा है भाई कांग्रेस में तो जाना नहीं है, कांग्रेस में लेना नहीं है कोई, तो अभी क्या करें। तो चलो राष्ट्रवादी में रहते हैं। पवार साहब का एक खासियत है, वो पदाधिकारी हो, कल वो चुनाव लड़ेगा तो उसको जो चुनाव के लिए खर्चा होता है जी वो पवार साहब उसको देते हैं। तो कैसे ना, ये एक तरह से महाराष्ट्र के बाहर के जो राष्ट्रवादी वाले जो है कार्यकर्ता है, नेता है, तथाकथित नेता तो कोई है नहीं उसमें, कार्यकर्ता ही है सब या कोई और पदाधिकारी है, उनको एक ऑफिस मेंटेन करने के लिए महाराष्ट्र से नियमित रूप में पैसा जाता है, उनका एक बालदार चौबदार प्यून इनका पगार बिगार वहाँ से मिलता है। तो कैसे ना, शरद पवार साहब के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, हाँ ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी है कि ये बात ऐसे राजकीय पॉलिटिकल सर्कल में सबको मालूम है, तो पवार साहब जो अलग अलग पार्टी के लोग चुन के आने की बहुत सारी संभावना है जी, अलग अलग पार्टी की बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी छोड़ो, दूसरी पार्टी से भी जो चुनाव जीतने की संभावना है, ऐसे एक देश के 50 या 100, पहले तो ज़्यादा लोग देते थे, अभी बजट थोड़ा उनका कम हो गया, तो 50-100 खासदार की के उम्मीदवार जो है उनको 5-5 करोड़ बेचते थे। कितना? 5-5 करोड़। करोड़ में? हाँ करोड़ नहीं, 5 करोड़ कम से कम बेचते थे उनको। अगर लगा कि भाई ये इसके चांस अंस है और उसका पॉलिटिकल भवितव्य अच्छा है, भले वो बीजेपी में रहे, अपने खिलाफ रहेगा, मगर उनका एक पॉलिसी था ऐसा कि भाई ऐसे लोगों के साथ इलेक्शन से पहले जुड़े रहने के बाद वो बाद में अपने साथ थोड़ा सा संबंध मधुर रखते हैं, तो ऐसा मदद तो वो करते थे। तो अभी पदाधिकारियों को समान सर एक ऑफिस समझा, स्टेट का ऑफिस है, अभी बम्बई में खर्चा ज़्यादा है उनका, बाहर का ऑफिस सर महीने के 1 लाख में है, मतलब साल के 12 लाख में है, पूरा ऑफिस स्टेट का संभाला जाता है, बाकी नीचे के लोग जो है ना वो क्या, वो लेटरेड पर कार्यकर्ता रहते हैं ज़्यादा करके राष्ट्रवादी के जी। एक लेटरेड छापा भाई, उसके ऊपर थप्पा लगाया, पवार साहब का फोटो लगाया, फिर सरकारी कार्यालय में गए, इधर गए उधर गए, तो भाई मैं राष्ट्रवादी का यही हूँ तो बताने के लिए उनको आसान रहता है, इसके लिए वो ले लेते हैं सर। अभी वो जैसे है ना कि वो एक मानवाधिकार की अलग अलग संगठनाएँ संस्थाएँ रहती है, सबको मालूम है इसमें क्या होता है, गिने चुने छोड़ के। अभी तो केंद्र सरकार ने कानून किया है कि मानवाधिकार और ये आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि मानवाधिकार के नाम से जो चलता है रैकेट्स, वसूली रैकेट्स जो चलते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से चल रहे हैं, इसलिए अभी वो गवर्नमेंट ने बैन किया है। मगर वो कैसा है कि वो लेटर लिखेंगे गाड़ी के ऊपर, बोर्ड लगाएंगे, मानवाधिकार संगठना संस्था क्या जो रहेगा वो अध्यक्ष ये वो, और वो अपॉइंट करने के, मेरे पहचान में एक मानवाधिकार का एक संस्था चलाने वाले हैं, वो 15 साल पहले मुझे मिले थे, तब वो स्कूटर पे थे जी। अभी 15 साल में उन्होंने वो मानवाधिकार उनकी संगठना जो है उसका काम इतना बढ़ाया, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, फिर उसमें RTI वगैरह का भी उन्होंने साइड बिजनेस चालू किया, कि अभी बीच में मैं गाड़ी से बाजू में देखा तो एक मर्सिडीज में वो बैठे थे, मेरे को देखते हर्ष रोमांचित हो गए, बोले अरे अनिल जी रुको रुको मैं गाड़ी बाजू में लगाता हूँ, और गाड़ी लगा दी बाजू में उन्होंने, और मारे भाई बोला डायरेक्ट मर्सिडीज, बोला सर 15 साल के मानवाधिकार का काम कर रहा हूँ, इतना तो होगा ना सर, इससे ज़्यादा लोगों के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, मैं तो गरीब हूँ, मानवाधिकार मर्सिडीज है मेरे पास। हाँ तो कैसे है ना कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, उनको एक लेटरेड चाहिए होता है पदाधिकारी करके नाम से, काम कुछ करना होता ही नहीं, अभी राष्ट्रवादी का काम उधर जाके क्या करेंगे वो,
कुछ है नहीं ना काम, काम करने के लिए कुछ मिशन तो होना चाहिए, प्रोग्राम तो होना चाहिए, उपक्रम कार्यक्रम है, वो तो है नहीं। तो लिटरेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लिटरेड जो है उनके पास वो विचारों को नए से छापने पड़ेंगे। देश भर का जो है, उन्होंने महाराष्ट्र का किया क्या, नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसके बारे में दो मिनट के बाद बोलेंगे, अभी आधा टाइम हुआ है अपना। मगर भारत का उन्होंने प्रफुल्ल पटेल ने एक लेटर निकाल के सब खत्म कर दिया कि भाई कोई अभी नहीं रहेगा। इसका कारण ये हो सकता है कि अभी उनको ऐसा लगता होगा कि भाई जिनको पहले लेटरेड दिए थे उनके लेटरेड भी अभी खत्म हो गए होंगे या तो पुराने हो गए, तो चलो नए लेटरेड बना के दे देते कुछ नए लोगों को। एक पार्टी को तो हलचल रहनी चाहिए। और अभी क्या है ना, हर एक राज्य में, ज़िले में, तालुका में, शहर में, बड़े गांव में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको कोई पार्टी लेती नहीं है, और इन लोगों को पता भी नहीं रहता गांव में उसकी क्या रिपूटेशन है। तो वो आता है इनके पास, मैं राष्ट्रवादी का उधर काम करूँगा, खर्चा आपको देने की ज़रूरत नहीं, मैं मेरा खर्चा करूँगा, मेरा ऑफिस डालूँगा, मेरे ऑफिस का बोर्ड रहेगा, मेरा सब करूँगा। उल्टा ऐसा है कि मैं पार्टी फंड को मैं मेरे यहाँ से कुछ आपको दे दूँगा। ऐसे लोग भी हैं, अरे बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में होंगे ऐसे, बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ भी मुझे मालूम है, अभी नाम लेंगे धीरे धीरे। तो उनको बर्खास्त करना इसका मतलब कुछ नहीं, वो बर्खास्त ही थे, अभी ऑफिशियली बर्खास्त हो गए। तो उनका नामो निशान जो जो पॉलिटिकल वेटेज होना चाहिए वो तो नहीं था, वो बर्खास्त कर दिया। अभी महाराष्ट्र का नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा है कि कुछ भी इधर का उधर किया तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी की ताकत है, राष्ट्रवादी की संख्या है, राष्ट्रवादी का अपना ऐसा एक फॉलोअर है, मतदार है, मराठा समाज में उनकी खास हैसियत है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे ना सब। उसका कैसे है ये समीकरण अभी बहुत मेहनत से पवार साहब ने बना के रखा है कि भाई महाराष्ट्र में अजीत दादा की भी रहेंगे, जयंत पाटिल के भी रहेंगे, तटकरे के भी रहेंगे, सुप्रिया ताई के भी रहेंगे, इसके उसके सबके जो अपने अपने सुबह है वो बकरार है, उसमें अगर अभी फेर रचना करने को जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा जी। और अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो इलेक्शन है उस समय क्या होता है, पुराना आदमी है ना वो भरे काम नहीं करे, मगर नया आदमी आता है तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ, इसके लिए यथास्थिति बनी रहे, स्टेटस को बने रहे, तो कम से कम दूसरे वाले को आशा रहती है, उसको बोलते रहते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये यानी जर काय केलं नाही तो तुला करतो ना, इसका अगर कुछ होता नहीं है इससे तो तुमको करूँगा, वो आशा में वो भी काम करता है। तो महाराष्ट्र की कार्यकारिणी को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, अजीत दादा जो है वो मानेंगे नहीं ये मेरा आदमी है इसको नहीं बदलने का, सुप्रिया तेई है मानेगी नहीं बोलेगी ये मेरा आदमी है इसको नहीं बदलेगा, जितेंद्र रावत थाना में वो उसके जो पदाधिकारी है भाई आनंद परंस पे, आनंद परंस पे के बारे में अभी क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ तो ये अच्छा है, उसने मेरे ऊपर तो मोर्चा निकाला था जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो आपको हंसी आएगी कि इनका रिलेशन कैसा है। वो आनंद परंस पे वहाँ से मोर्चा लिख के निकला तो जितेंद्र आव्हाड को पता चला कि मेरे खिलाफ, मैंने उसको गुड़ा सा गणपति बोला था करके मोर्चा निकाला, उसने पहले फ़ोन किया था क्या गणपति बोलना आशु भाई, नहीं नहीं वो गुड़ा सा गणपति मतलब बुद्धू आदमी ऐसा करके बोला था उसको, तो उसने कमिश्नर को फ़ोन किया बोले मैं हमारे कुछ, उसने तो शब्द जो वापरा उनके लिए वो मैं नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया जाएगा, बोले वो निकले तते साहब के घर में, तुम दो काम करो, एक तो पहले पुलिस वहाँ वो लड़के पहुँचने से पहले पहुँचनी चाहिए, और एक बात दूसरी तते साहब का हौसला मैं जानता हूँ, ऐसा कोई मोर्चा विर्चा है तो उनको बहुत आनंद होता है, तो उत्साहित होके और ये होके एक्साइट होके नीचे आएंगे झगड़ा करेंगे तो उनको वहीं रोक दो ऊपर, उनको बोलो आप मत जाओ हम देखते हैं सब। जब वो मोर्चा पहुंचा मेरे घर तो उसके पहले 10 गाड़ियां पुलिस की खड़ी थी, किसके कहने पे, जितेंद्र की, जो उनका यहाँ का बॉस है उसने अपना शहर अध्यक्ष जब लेके जाता है तो उसको उठाया पुलिस ने और इसमें पुलिस स्टेशन लेके गए, उनका सबका नाम भी लिख लिया डायरी बनाया, और ACP जो था वो मेरे घर में ही बैठे थे, वो बोले चाय भी पिया मेरे साथ, वो बोले अभी वो बच्चों को क्या आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, मैं बोलूँ मैं क्यों करूँ, उनके बॉस ने किया कंप्लेंट मैं क्यों करूँ, और फिर बोले छोड़ दूँ, मैं बोला छोड़ दूँ क्या है, वो प्रकाश परंस भाई का बेटा है, वो अभी लास्ट इलेक्शन में उसका इलेक्शन का मीडिया का काम उसने मुझे दिया था, वो जब लोकसभा में खड़ा था ना उधर तो उसका मीडिया का काम, उसका जो काम था वो मेरे पास उसने दिया था, और पत्रकारों में बांटने के लिए उसने मेरे को 10 लाख दिए थे, अभी क्या बोलूँ, इसी किसने
आनंद परस मैंने 10 लाख मुझे दिए थे, बोला ये पत्रकारों में बांटो तुम। अभी क्या बोलेंगे, वही मेरे खिलाफ क्या मोर्चा लेके आएगा। और उस समय भी मैंने उसको बोला कि तुम्हारा जितना असंभव है, बोला नहीं नहीं पार्टी ने मेरे को 2 करोड़ दिए हैं, उसमें से मैं बजट किया हूँ 25 लाख रुपये मैं बांटने वाला हूँ मीडिया को, उसमें से 10 लाख आप बम्बई की मीडिया को दे दो। और मैं बोला देख तू तेरे हाथ से क्यों नहीं देता है, वो बोला नहीं आपसे देंगे ना तो एक फ़ायदा ये रहता है कि आपसे पैसा लिया हुआ आदमी जो है वो बेईमानी नहीं करता, उसको मालूम है आप उसकी फुले फुले कर देंगे, इसके लिए मैं आपके हाथ से दे रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, मैंने कुछ बम्बई के पत्रकार थे उनको बोला कि भाई इसका चेहरा कुछ छापो, इसने ये पैसा दिया है आप ले लो। तो वो आदमी मेरे खिलाफ़ मोर्चा निकला, ऐसे तो इनके पदाधिकारी है जरे, तो वो बात अलग है। और महाराष्ट्र में अभी बदली करना है, सब जो नजीबुल्ला है वो अजित पवार का राइट हैंड है अभी, और वो जितेंद्र को श्रेय देने की कोशिश करता है। अभी इसमें कुछ अगर गड़बड़ की बदली की, मेरे तो नजीबुल्ला मेरे घर आया था, मुझे बोला कि मेरे को ये बनना है वो बनना है, मैं बोला कौन बनाएगा, वो बोला ये नहीं बनने दे रहे हैं, मैं बोला तू तो अजित पवार जी के साथ है, मगर वो बोले अजित पवार बोलते कि उसके एरिया में मैं नहीं हस्तक्षेप करूँगा। तो महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसका एक छोटा सा मैंने कारण बताया, ठीक है चलो महाराष्ट्र को धन्यवाद नहीं लिया, वही अच्छा किया, धन्यवाद। थक्के जी का खासियत है जो पर्दे के पीछे की बातें पर्दे के सामने लाते हैं। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे पर्दे के पीछे जो बातें होती है, पर्दे के आगे की जो सबको मालूम है वो बोलता ही नहीं, पर्दे के आगे जरूर जाएंगे। तो हमारा वीडियो अगर पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।